दोस्तों द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संगम काल के जो हमारे राज्य थे। जी हाँ दोस्तों, संगम काल के हमारे तीन राज्य थे, एक तो चेर और दूसरा राज्य था हमारा पांड और तीसरा था हमारा राज्य उसमें चौल। जी हाँ दोस्तों, तीन राज्य हमारे संगम काल में थे, तो इन्हीं हम तीनों वंशों के बारे में बात करने वाले हैं आज दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है चेर वंश। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा इसमें वंश आता है चेर वंश। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन वंश जो है वो चेर वंश था। जी हाँ दोस्तों, और जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया है। जो है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें इसको चेरापद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरलपुत्र कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें इसे केरलपुत्र कहा गया है, और इनका जो क्षेत्र था वो केरल में था। जी हाँ दोस्तों, केरल में ये चेर वंश का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी जो थी वो बंजी करूर में थी। और दोस्तों इनका जो राज्य चिन्ह था चेर वंश का वो धनुष था, और चेर वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम उदयन जरेल जरेल था। जी हाँ दोस्तों, जो चेर वंश का प्रथम शासक था उसका नाम उदयन जरेल था, और उदयन जरेल जो था महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज कराया था। जी हाँ दोस्तों, उदयन जरेल जो था उसने महाभारत में जो युद्ध हुआ था उन उसके सैनिकों को भोजन भी इसने कराया था। और अगला शासक इसमें चेर वंश में सेन गुणवंत था, इसे लाल चेर भी कहते हैं। इसने पत्नी पूजा मतलब कि कणगी पूजा प्रारंभ किया, और इस पूजा में इसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को आमंत्रित किया। जी हाँ दोस्तों, पत्नी पूजा मतलब कि कणगी पूजा किसने प्रारंभ किया था, तो वो प्रारंभ किया था दोस्तों सेन गुणवंत ने। जी हाँ दोस्तों, चेर वंश का जो सेन गुणवंत था उसने इसको शुरू किया था। और इस वंश का अगला शासक जो था आदिगमान था। जी हाँ दोस्तों, इस वंश का अगला शासक आदिगमान था, और जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ की। जी हाँ दोस्तों, चेर वंश में ही गन्ने की खेती प्रारंभ की गई थी उस समय, और वो शासक था आदिगमान। जी हाँ दोस्तों, और चेर वंश का अंतिम शासक जो था कुडक्कई जनरेल था। जी हाँ दोस्तों, चेर वंश का जो हमारा अंतिम शासक था वो कुडक्कई जनरेल जरेल था, और दूसरी सदी के अंत में 190 ईस्वी में चेर वंश समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, चेर वंश हमारा कब समाप्त हुआ, वो हमारा 190 ईस्वी में समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है दूसरा वंश पांडव वंश। जी हाँ दोस्तों, पांडव वंश की बात कर रहे थे तो पांडव का उसका अर्थ होता है प्राचीन देश, यह मात सत्तात्मक तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ दोस्तों, यह मात सत्तात्मक तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड राजाओं ने ही तीन संगमों का आयोजन किया था। पांड वंश की प्रथम जानकारी जो है मेगस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पांड वंश की जो प्रथम जानकारी है ये इंडिका पुस्तक है, जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इससे इसकी जानकारी मिलती है। और पांडव वंश का क्षेत्र जो था वो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था, इसकी राजधानी मदुरै थी, और इनका राजकीय चिन्ह जो था वो मछली मतलब कि कार्प कहते थे उस समय मछली को, मछली इनका राजकीय चिन्ह था। और पांडव वंश का प्रथम शासक जो था वो नोडियोन था, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था नेडी जो जेलियन। जी हाँ दोस्तों, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो नेडू जेलियन था। नेडू जेलियन था दोस्तों इसका जो सबसे प्रतापी शासक था। इसने 290 ईस्वी में हुए तलेलिया संगान की युद्ध में चेर चोल तथा पांच राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नेडोजेलियन जो था उसने ततेलिया लंगानम के युद्ध में चेल चोल तथा पांच अन्य राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था।
और इस वंश का अंतिम शासक नल्ली बडोदन था। 5वीं सदी आते आते पांड वंश अस्तित्व विहीन हो गया। पांड वंश के राजाओं का रोम के राजाओं से अच्छा संबंध था। उन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्त्य के दरबार में भेजा था। पांड वंश की जो राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहते हैं और यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला वंश आता है चोल वंश। जी हाँ दोस्तों, चोल वंश के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। इसकी राजधानी उरईउर थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी राजधानी उरईउर थी। इनका राजकीय चिन्ह बाघ था और उरईउर सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुली जो होती है उसको उस समय केचुली को पोवा कहते थे, उससे भी पतले होते थे। और चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। और इसके बारे में एक धारणा यह भी थी कि कावेरी नदी का मैदान इतना उपजाऊ था कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता है। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी का मैदान इतना उपजाऊ था, यह धारणा थी उस समय कि वहाँ की किसी ज़मीन पर जहाँ जितनी जगह में एक हाथी सोता है उतनी पर जगह पर इतना एक अनाज हो सकता है कि एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता था। और चोल वंश का पहला शासक उरभरहप्पे था। जी हाँ दोस्तों, चोल वंश का जो पहला शासक था उरभरहप्पे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने श्रीलंका जीत लिया था और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया और यह भारत का सबसे पहला बांध था। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पहला बांध कौन सा था? वो कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया था। इसे ग्रैंड बांध भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को ग्रैंड बांध भी कहा जाता है। और कारकाल ने पोहार नामक बंदरगाह बनवाया जिसमें कावेरी पट्टनम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कारकाल ने ही जो पोहार नामक एक बंदरगाह बनवाया जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। एलारा तथा पेरुनरकिल्ली तथा अन्य शासक था। जी हाँ दोस्तों, ये अन्य शासक हुए एलारा तथा पेरुनरकिल्ली, ये अन्य शासक थे। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और शांति जीवन जीने लगा। जी हाँ दोस्तों, और 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा तीनों वंशों के बारे में। तो हमने देखा चेर वंश, पांड वंश, चोल वंश। तो ये दोस्तों हमारा था इन तीनों वंशों के बारे में। ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अभी हम आगे थोड़ा संगम काल है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, और उस समय की जो पूजा वगैरह का उनका सिस्टम था उसके वगैरह में थोड़ा हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में अगले टॉपिक में दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको सारी अपडेट समय से मिल सके और आपके पास सारे टॉपिक समय से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।